तो सूरतना सरसाणा कन्वेंशन सेंटर खाते प्राकृतिक कृषि सम्मेलन नु आयोजन करवामां आव्युं, जेमां राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेन्द्र पटेल उपस्थित रह्या, साथे सीआर पाटिल पण, गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी, मुकेश पटेल तेमज अन्य केन्द्रीय मंत्री दर्शना जरदोश पण उपस्थित रह्या हता। आ कार्यक्रममां खुद वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पण वर्च्युअली उपस्थित रह्या हता। सौथी वधारे महत्वनी वात ए कही शकाय के राज्यमां खेडूतो प्राकृतिक कृषि तरफ आगळ वधी रह्या छे, तेना माटे आ कार्यक्रम योजायो छे, जेमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए वर्च्युअली संबोधन करता जणाव्युं के गुजरातमां थोड़ा महीना पहला ज नेशनल फार्मिंगना विषय पर नेशनल कॉन्वेकनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। तो आयोजनमां पूरा देशना खेडूतो जोड़ाया हता। प्राकृतिक खेतीने लईने गुजरातमां देशमां केटलुं मोटुं अभियान चाली रह्युं छे तेनी झलक पण जोवा मळी हती। त्यारे फरी एकवार सूरतमां महत्वपूर्ण कार्यक्रम छे ए वातनुं प्रतीक छे के गुजरात केवी रीते देशना अमृत संकल्पोने गति आपी रह्युं छे। दरेक ग्राम पंचायतना 75 खेडूतोने प्राकृतिक खेती साथे जोड़ावाना मिशनमां सूरतनी सफळता पूरा देश माटे उदाहरण बनवा माटे जई रही छे। तेनी माटे सूरतना लोकोने विशेष અભિનંદન પાઠવું છું તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું। નેશનલ કોન્ક્લેવ કા આયોજન હુઆ થા, ઇસ આયોજન મે પૂરે દેશ કે કિસાન જુડે થે। પ્રાકૃતિક ખેતી કો લેકર દેશ મે કિતના બડા અભિયાન ચલ રહા હૈ ઇસકી ઝલક उसमें दिखी थी। आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के मिशन में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। और इसके लिए सूरतना लोगों ने विशेष अभिनंदन आना माटे, सूरतना खेडूतों ने अभिनंदन, सरकारना सब साथियों ने अभिनंदन। मैं प्राकृतिक कृषि सम्मेलन के इस अवसर पर इस अभियान से जुड़े हर एक व्यक्ति को, अपने सभी किसान साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जिन किसान साथियों को, सरपंच साथियों को आज सम्मानित किया, मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई देता हूं। अने खास करीने ખેડૂતોની સાથે સાથે આ સરપંચોની ભૂમિકા પણ બહુ જ વખાણવા જેવી છે। એમણે આ બીડું ઉઠાવ્યું છે અને એટલા માટે આ બધા સરપંચ ભાઈ બહેનો પણ એટલા જ અભિનંદનના અધિકારી છે। ખેડૂતો તો છે જ।